अस्सलाम फ्रेंड्स, आई एम अदनान और आप देख रहे हैं अदनान फूड ब्लॉगर। आज हम आए हैं शिनवारी। ये शिनवारी वो वाला शिनवारी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, सुपर हाईवे वाला, उलचान जोर वाला। ये है करोंगी क्रॉसिंग वाला। करोंगी क्रॉसिंग के ऊपर भी शिनवारी है और इसके हमने काफ़ी सारी जो डिशेस मंगवाई, उनको टेस्ट किया, उनका स्टैंडर्ड, उनकी क्वालिटी हमने पूरी वीडियो के अंदर बताई। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और इनका हम आपको मेन्यू भी दिखाते हैं इंशाल्लाह, इनका मेन्यू कैसा था। आप इनका एनवायरनमेंट भी देख सकते हैं पूरी वीडियो के अंदर। तो पहले देखते हैं मेन्यू। अच्छा जी गाइस, ये शिनवारी का मेन्यू है, अभी देख सकते हैं। ये सारी इनकी मटन कढ़ाई हैं। इनके प्राइस, ये फुल के हैं, ये हाफ के हैं, ठीक है। उसके बाद ये हैं इनकी चिकन कढ़ाई, ठीक है। और ये हैं इनके सारे के सारे इनकी स्पेशलिटीज़, आपको तो मैं क्लियर तरीके से दिखा देता हूँ। उसके बाद है जी नीचे कटाकट। कटाकट में ये चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। अच्छा जी इसके बाद है ये बारबेक्यू आइटम। ये इनके ना जो प्राइस लिखे हुए हैं, ये 4 सीख बोटी के प्राइस हैं, मतलब 4 सीखों के प्राइस हैं ये। उसके बाद आता है जी मटन हांडी, चिकन हांडी, अरबियन मंडी। उसके बाद है चिकन जैतून, चिकन स्पेशल कढ़ाई मखनी और स्पेशल चिकन बटर। आप सबको देखते रहें, मतलब पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह में पानी। उसके बाद आती है जी फिश की बारी और उसके बाद ये तंदूर और देवर जस्ट मिनरल वाटर से ये पानी वगैरह है। स्पेशल टी है इनके पास, आइसक्रीम है, आइसक्रीम जो होती है उसको प्राइस होती है इनके पास। गाइस ये प्राइस है मई टू जून के, अगर आप जब जाएंगे जबकि प्राइस बढ़ गए तो मुझे नहीं कहना। जिसने भी अब तक नहीं देखा अफगानी पुलाव तो वह देख सकते हैं। ये है अफगानी पुलाव, इसके अंदर किशमिश होती है। इसका जायका थोड़ा डिफरेंट होता है, पर होता बड़ा उधा में, तो आपको वीडियो में बताता हूँ इंशाल्लाह कैसा है जायका। अच्छा जी आप देख सकते हैं, इसके साथ ही ये है सीख कबाब और इसके साथ है वाइट कढ़ाई, ठीक है। ये हमने सैलेड मंगवाया था, सैलेड आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश है। और उसके साथ इनका रायता और ये नान, तो आप टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। वाओ बेहतरीन वाइट कढ़ाई यार, बेहतरीन। गाइस अभी हम अपनी प्लेट रेडी कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे वाइट कढ़ाई और गुलाब कबाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्रीमी चिकन के पीछे सारे माशे से गले गले हुए बोला, क्या बोलते हैं इसको, बोला कबाब। अच्छा जी अब हम सीख कबाब ट्राई करते हैं। बेहतरीन, दो चीज़ें उनकी पास हो गई। अब हम चेक करते हैं अफगानी पुलाव। शिनवारी के मुझे राइस बहुत अच्छे लगे गाइस, यकीन करें बिल्कुल खिले खिले थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे राइस होने चाहिए। एज ए टेस्ट बिल्कुल वैसे ही थे, खिले खिले और बड़े बड़े चावल। इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटी छोटी किशमिश जो कि इसके टेस्ट को चेंज करती है। टेस्ट वाकई में डिफरेंट है, पुलाव बिरयानी तो खाते रहते हैं, ये टेस्ट थोड़ा चेंज है। एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं होता, नॉर्मल मसाले पे, पर अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है। इस यहाँ के प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर फ्रेश कराची वाले टूट पड़ते हैं शिनवारी पे। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस्टोरेंट के साथ। जितना अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।